हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूँ मनीषा एंड यस, आज है क्या, आज फ्राइडे है और मेरे को कमर में इतना ज़्यादा पेन है, इतना ज़्यादा पेन है कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। और समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा और क्यों हुआ है, ये भी नहीं पता चल रहा मुझे। हाँ खैर, ये तो मैं बता सकती हूँ कि शायद से क्यों हुआ है। एक सेकेंड में ट्राईपोड ले लूँ, उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से। और सुबह सुबह 7:30 होने वाला है, चाय पिए मैंने। उठी हुई तो 5 बजे की हूँ मैं, लेकिन बेड पे ही थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी दिखाते हैं आप लोगों को घर की हालत भी। मतलब पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। इसको ट्राईपोड में लगा लूँ एक बार। हाँ तो कल एक्चुअली जैसे 5:30 बजे एक्सरसाइज करती हूँ मैं, 5:30 से 6:30 वो होती है। एंड जैसे खड़ी हूँ ऐसे नहीं है, चला नहीं जा रहा है, झुका नहीं जा रहा है, वो सब चीज़ें हैं। बट हाँ, शायद अगर मैं ऐसे ही रहूँगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि मैं काम करती हूँ। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, विनोद गुड़गांव है। एंड कल मैंने सुबह एक्सरसाइज की थी, फिर मैं वॉक के लिए गई थी और घर का सारा काम करके फिर मैंने जो अपने प्लांट थे ना उनको रिपोर्टिंग वगैरह वो सब किया था। तो उसमें मेरे को ऑलमोस्ट लग गए 4-5 घंटे उसमें लग गए मेरे को, फिर बालकनी पूरा धोना और वो सब करना। एंड फिर मुझे लिविंग रूम चेंज करना था, जैसे गर्मी आ चुकी है, सारे जो प्लांट्स हैं उनको अंदर लेके आना था। तो उस तरह से जो लिविंग रूम है उसको मैं डेकोर करूँगी, एक समर लुक उसको दूंगी। तो वही मैं करके देख रही थी। और रात को जब मैं लेटी ना, रात हो गया उससे पहले जब मैं यहाँ पर जो बुद्धा जी रखे हुए हैं ना मेरे, आप लोगों को ब्लॉग में भी पता है, यहाँ पर ये जो बुद्धा जी रखे हुए हैं इनको जब मैं उठा करके इधर से उधर कर रही थी ना, तो मेरे को मतलब पता चल गया था कि हाँ मेरे को पेन है, नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगा शायद ऐसे ही होगा, हैवी होगा इसलिए लग रहा मुझे। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में तो आया था यार पहले भी तो करती थी, तब तो इतना हैवी नहीं लगता था, आज क्यों लग रहा है। और सुबह तो जैसे 5:30 बजे थी मेरी क्लास, तो बट उठ ही नहीं पाई। मतलब उठ तो गई थी, 5 बजे का अलार्म सेट करती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, बट बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। बड़ी हिम्मत करके 6 बजे उठी हूँ मैं। और उसके बाद बस चाय वाय पी, पानी पिया, थोड़ा सा इधर उधर किया है, किचन समेटा है, कल रात को ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। और अभी हालत दिखाऊंगी क्या हालत हो रखी है। तो काम तो करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब तक बच्चे उठेंगे उससे पहले ये, आज मैं उनको उठा भी नहीं रही हूँ, यही कि वो सोते रहेंगे, क्योंकि तो परी ना फिर पूरा फैला देती है, इधर उधर कर देती है। नीर तो काफ़ी हेल्प करता है, बट मैं अभी दोनों को सोने दे रही हूँ। जितना मुझसे होगा खुद मैं उतना ही करूँ, उतना करूँगी, उतना क्या सारा ही करना है, मतलब सारा करूँगी। तो उससे पहले आपको हालत दिखाती हूँ। बट लिविंग रूम को ये सेट करना है तो इसको मैं बाद में आऊँगी, इसमें इसको ये बिफोर एंड आफ्टर वाला भी मैं शेयर करूँगी। देखती हूँ चैनल पे करूँ या दूसरे वाले पे, बट जरूर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो चलो एक बार हालत दिखाती हूँ क्या है। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने एक्सरसाइज की थी, फिर सारा दिन मैं काम किया, फिर उसके बाद 4-5 घंटे वहाँ पर लगी भी रही, बैठे बैठे ऐसे झुके झुके ही करना था सारा, फिर सब पौधों को धोना और अरेंज करना, और फिर इसके बाद फिर यहाँ की सेटिंग में लग गई, तो पूरा दिन ऐसा चला गया। तो आज तो कमर नहीं, मतलब बिल्कुल बैंड बजी है। बट मुझे लगता है थोड़ी सी मूवमेंट कर लो, अभी तो भाई भी नहीं उठा होगा, उससे पूछो कुछ हुआ है, विनोद को बताओ मेरे साथ क्या हुआ है। बट अभी कोई भी नहीं उठा हुआ होगा, पैरों में भी दर्द है। देखते हैं, शाम तक अपडेट देती हूँ। चलो एक बार आपको लोगों को दिखाती हूँ घर की क्या हालत है। तो इसको बाद में करूंगी, पहले पूरे घर की जो सफाई वगैरह है वो कर लेती हूँ, ताकि फिर बच्चे उठेंगे तो उनको खाना वाना दे के मैं भी खाना खा के और फिर इसमें लग जाऊंगी। एंड इसकी जो सफाई वगैरह में ना, मैं जो ये लाइट दिख रही है आपको पीछे, ये हैंगिंग वाली, ये लाइट वगैरह फैन वगैरह भी करती हूँ, बट आज मैं नहीं करूँगी। लाइट और फैन को छोड़ के बाकी सारे इसकी डस्टिंग वगैरह है वो मैं कर दूंगी, क्योंकि इसमें क्या है ना, ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर ऐसे ऐसे करते करके करना पड़ता है, तो पूरा जोर पड़ता है इस पर, पूरी बॉडी पे, क्योंकि मेरे को लगता तो है मैं गिर जाऊंगी। तो मैं बिल्कुल टाइट बॉडी रख के तब मैं ऊपर चढ़ती हूँ, जो ये मेज है इसके ऊपर एक और रख के फिर करती हूँ। तो वो जो होती है ना सीढ़ी जो होती है वो है नहीं हमारे पास, ऊपर वालों से ली थी एक दो बार, फिर अच्छा नहीं लगता कि बार बार किसी से लो,
तो देखते हैं वो कब आएगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो उसकी होती है, लाइट वगैरह क्लीन करनी है, या फिर फैन है, वो भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो कब आएगी वो तब आएगी। हाँ, तो ये मैं कल के लिए विनोद के लिए छोड़ देती हूँ, और हिलते यार बहुत दर्द हो रहा है। सच में ऐसा लगता है इनसे बच्चे कहते हैं मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है, क्या यार दर्द हो रहा है ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन आज वही हालत हो रही, आओ हाथ लगाते भी सच में हालत खराब हो रही है आज तो। चलो दिखा देते हो आपको लोग एक बार। तो किचन मैंने क्लीन कर दिया, क्लीन मीन्स बर्तन वगैरह जो हटा दिया, अदरवाइज सब पूरा ये पूरा फैला हुआ था, रात को खाना बना के मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था एज इट इज़। और ये बर्तन है जो कि अभी क्लीन करूँगी, क्योंकि रात को क्लीन नहीं किए थे। एंड इस रूम में पड़े हुए हैं प्रेस के कपड़े, ये तो सूट है तो मैंने अभी इसी वीक में क्लीन किया था, इसका कुछ नहीं है, बस कपड़े यहाँ से उठाने और एक दो चीज़ें हैं जो कि नीरव कर देगा, क्योंकि उसी की बुक्स वगैरह हैं, रात को उसने ऐसे ही छोड़ दी मस्ती में। तो ये वाला तो सूट है, इसका कुछ नहीं करना। हाँ, इस वाले की अरे मम्मा हालत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी इसको क्लीन करूँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि इस तरह इसको मैंने किस तरह से समर रेडी किया है। और वो इधर तो ये देखो सब पूरा, तो काफ़ी सारे चेंजेस मुझे इसमें करने हैं, मैं करके देख रही थी रात को कैसे क्या अच्छा लगेगा। तो ये सब है एंड यहाँ पे ये देखो प्लांट्स आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे हैं इधर रखे हुए, पूरा भरा था, वहाँ तक भरा हुआ था, उस रूम में मैंने पहुँचा दिए है, लिविंग रूम में यहीं रहे। इधर दोनों बच्चे सो रहे हैं नंगो बंगो, उनको मैं दिखा रही हूँ मैं। और बाहर कल बारिश हुई थी ना, तो कुछ खासी धूप भी निकली हुई है, तो ये है। तो इन प्लांट्स को मैंने कल रिपोर्ट किया, तो मैं सोच रही हूँ उनके ऊपर ना धूप लगवा दूँ, जैसे ये वाला है, ये है, ये तो पहले से लगा हुआ है, ये मनी प्लांट है, सिंगोनियम एक उधर रखा हुआ है, इधर है, ये रहे। तो मतलब मैं इस रूम को रेडी करूँगी, समर रेडी लिविंग रूम को। तो चलो सबसे पहले तो मैं अपना जो बर्तन है वो क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद बारी बारी क्या काम करते हैं वो देखते हैं। चलो बीमार होने के बाद भी छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, हाउस हेल्पर नहीं है, कोई घर में और नहीं करने वाला, तो चाहे बीमार हो कुछ भी हो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो सबसे पहले मैं किचन से ही लगूंगी, बर्तन क्लीन करके काउंटर टॉप क्लीन करूंगी एंड उसके बाद दूसरे रूम में जाएंगे।
look so fine. Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Love when we take our time to make love. Promise you I'm no waste of time. In the bathtub, we don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. मेरा जो अंदर का है ऑलमोस्ट सारा हो गया है, सिर्फ बेडरूम को छोड़ के, क्योंकि बच्चे वहाँ सो रहे हैं। और तब तक मैंने सोचा चलो बालकनी को भी क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा सा काम करते करते जैसे बोलते ना गर्म हो गए खून, वैसे हो रखा है। थोड़ा सा रिलैक्स है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं है तो। बट मैं बालकनी में भी आ गई हूँ, बालकनी को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि रात को तो किया ही था तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा ही इसको क्लीन करना है। प्लांट्स जो अंदर रखे थे उनको बाहर निकाल दूँगी और तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे। उसके बाद जो बेडरूम है उसको मैं क्लीन करूँगी और उसके बाद बनेगा हमारा ब्रेकफास्ट। तो इसको फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको अपने प्लांट्स। जो जिनको थोड़ा सा सन चाहिए उनको मैंने ऊपर रख दिया है, और नीचे जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है सन की, क्योंकि वैसे ही गर्मियाँ इतनी है तो हीट से ही हो जाएगा वो। और इधर रख दिया है जिनको सुबह सुबह थोड़ी सी हल्की एक दो घंटे जो सुबह की धूप चाहिए होती है ना, वो वाले प्लांट्स यहाँ रख दिए हैं। बाकी इंडोर प्लांट्स हैं तो इनको भी एक बार बाहर रख के और इनको साफ़ सफाई रख के फिर दोबारा से, देखिए सारे इंडोर प्लांट्स हैं तो इनको भी बाहर लगा रही हूँ मैं, और अंदर इसकी सफाई करके फिर इनको इनकी जगह पर प्लेस कर दूँगी लिविंग रूम में और इस बेडरूम में। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Space, fall.
my breath, looking up. Life moves in waves, it keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again, sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. फ्रेंड्स सारा काम भी हो चुका है और ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी. परी के लिए है कॉर्न सैंडविच, उसको इस तरह से छोटे बाइट में पसंद है. तो एक का मैंने चार पीस बना दिए हैं, बहुत ही सिंपल सा बनाया, पहले भी शेयर किया हुआ शायद से. और नीरव के लिए पनीर सैंडविच बनाया है, पनीर कोकम्बर टमाटो अनियन डाल के और ग्रीन चटनी लगा करके. अपने लिए मैंने बनाया है ये उपमा, रवा उपमा है. तो एक कटोरी में ये लूँगी, साथ में लूँगी एक कप चाय. तो ब्रेकफास्ट सॉर्ट आउट हो गया है, बच्चे नहा चुके हैं, आ चुके हैं, तो सब बैठ के अब ब्रेकफास्ट करेंगे. काम हो गया है तो कुछ ऐसा ही रहता है, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो या नहीं है, घर का काम है ये तो आपको करना ही पड़ेगा. लॉकडाउन है, हाउस हेल्प ही नहीं है तो खुद से ही करना होगा. बट हाँ, ये काम करते करते जब तक काम ख़त्म हुआ मैंने अच्छा फील करना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा बेटर फील किया. बस अब बैठ के इसको एंजॉय करूँगी. थोड़ा सा जो लिविंग रूम का मेकओवर है वो करना है. न्यूज़ चलती रहती है सुबह सुबह, नीरव उधर रेडी हो रहा है. उसके बाद नहा धो के फिर अपना दोपहर का काम है वो स्टार्ट करेंगे. तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय.